गांव के बीच में शराब भट्टी खोलने से नाराज गांव वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि गांव में शराब दुकान ना खोला जाए और चेतावनी दी कि यदि यहां दुकान खुली तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। शराब दुकान खोलने से नाराज गांव के ग्रामीणों ने दुकान के टेंट उखाड़ कर फेंक दिए। यही नहीं, गांव के लोग जमीन पर धरना प्रदर्शन करने लगे और यहां से दुकान हटाने की मांग करने लगे। गांव के बीचों बीच शराब दुकान खुल जाने से वहां का माहौल बिगड़ जाएगा। वहां पर हमेशा शराबियों का जमावड़ा लगा रहेगा। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि उनके नाती पोते काफी छोटे हैं और ऐसे में यहां पर शराब दुकान खुल जाने से वो लोग भी शराब के आदि हो जाएंगे, जिससे भविष्य में रुपए नहीं मिलने पर वो चोरी का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। इसलिए सारी महिलाओं ने एक स्वर में दुकान न खोलने की मांग पर धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। ऐसो दारू भट्टी नहीं होना ही, हमारे छोटे छोटे बच्चा है वो मनाया के सो बिगड़ जाई, हमारे बेटा है, हमारा आदमी है, सब पी खाई जाक हमला घर में परेशान करते हैं। अब ए मेरा के दारू भट्टी खोला थे कहाँ के बोला तो हम अभी जाना नहीं। अब वही हम सब महिला पुरुष सब आए हैं मना करे। अब ये में बिल्कुल दारू भट्टी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दारू पी के मारपीट करा थे, कुचा थे, कुचा थे, टमाटर टमाटर के वो चोरी हारी करा थे, ओला हेरा थे, ओला धारा थे, घर के सब सामान लेके ये करा थे, कागया कर ही है भट्टी नहीं होना। हाथ जोड़ा था कोनी के अंदर हमका दारू भट्टी नहीं चाहिए। काहे अतका बबल लइकन है अभी गुटका कसिस खाते आ ये लइकन ये सो दारू आ जाही तो दारू पी ही आ दारू पी के कहीं तोरे घर खुसर गए कि मोरे घर खुस कर गए तो चोर बन जाही। मुखा मतलब नहीं है, यहाँ चाहे जौन हालत में हो वो हमला बस्ती के अंदर दारू, अब यू बस्ती बन गए, यहू बस्ती है आए हमला यहाँ दारू भट्टी नफरत है। जायज मांग को देखते हुए कोनी के जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के समर्थन में आ गए। कोनी में ही कई शिक्षण संस्थान है जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान भी है जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ाई करने वहाँ आते हैं। ऐसे में वहाँ पर शराब दुकान खुल जाने से उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण शराब दुकान न खुले ऐसी मांग जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। हम लोग का विरोध ये है कि छोटी कोनी हो कि बड़ी कोनी हो, कोई भी कॉलोनी है, सारा हमारा गांव है, हमारे गांव के रिहाइश बस्ती के बीच मत रहे। आप देख रहे हैं चारों तरफ घर है, चारों तरफ यहाँ स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, उनके बीच में ये दुकान न खुले, गाँव से बाहर खुल जाए, हम लोग उसका विरोध करने आए हैं। यहाँ पे दारू भट्टी हमको नहीं चाहिए, शिक्षित बच्चे रहते हैं, बच्चों का दुरुपयोग होगा, दारू पी के बहुत ज्यादा हल्ला होता है, शिक्षित बच्चे रहते हैं, पूरा माहौल है यहाँ गंदा हो जाएगा, हमको यहाँ दारू भट्टी नहीं चाहिए। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस भी भारी मात्रा में तैनात रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने तैयार रही। ठेकेदार मैनेजमेंट करेगा, विरोध हो रहा है उनको जो है कहाँ पर लगाया जाएगा, अगर बस्ती में लगाने नहीं देंगे गांव वाले तो अब कहाँ जगह है, अब वही निर्धारित करेंगे, शासकीय जगह में तो लगा नहीं सकते। तो अब जब तक है विरोध कर रहे हैं, सिक्योरिटी है, आबकारी विभाग वाले हैं, पुलिस वाले हैं। कोनी को बिलासपुर का एजुकेशन हब भी माना जाता है। ऐसे में वहां शराब दुकान खुल जाने से पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में भी पड़ सकता है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।